हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सब लोगों को फिर से जयश्री वंडरलैंड में स्वागत है। आज का व्लॉग में पूजा से स्टार्ट करती हूँ। आज हम सब लोग साथ में पूजा कर लिए, मैं, रवि, वैष्णवी और आरती। आज छुट्टी है इसलिए सब लोग घर पर ही है और लेट भी उठाए हैं। आज का दिन तो चलते हैं, आज संडे है ना, इसलिए चलो आप लोग भी हमारा लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। और आप लोग मेरा चैनल में न्यू है तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर जरूर बताना मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगे। और मुझे पता ना आप लोग संडे के दिन क्या क्या प्लान कर लिया है और क्या क्या घूमने के लिए गया हुआ है। और हम लोग आज कुछ प्लान कर लिया है घूमने जाने के लिए, आप लोगों को भी हम लोग साथ में लेकर जाऊंगा। ओके, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने खाए थे जलेबी गाठिया। जलेबी गाठिया इधर का स्पेशल है, आप लोग की भी पता है। मैं और रवि आंगन में हमारा पौधों को सब पौधों को देख रहे थे। आज संडे है इसलिए हम लोग साथ में देख रहे हैं सब कुछ। आज एक दिन टाइम मिलते हैं हम लोगों को साथ में बैठने के लिए और बातचीत करने के लिए और बच्चे को और हम लोगों को घूमने के लिए जाने के लिए। सब एक संडे ही होते हैं, बाकी सब दिन पूरे दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक हम लोग बिजी होते हैं। बिजी रूटीन स्टार्ट हो जाएगा हमारा। मैं सब पौधों के देख रहे थे, सब लोगों को पानी भी देना है और विंटर है इसलिए सब में फ्लावर अच्छी से आ रही है। हम लोग आज गए थे एक मैरिज फंक्शन में, फंक्शन में होकर आ गया। फिर थोड़ी देर हम लोग आराम कर लिया। फिर अभी टाइम हो रही है 4:30, हम लोग फिर से रेडी हो रही है, हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। और इधर मैन रोड से 10-15 किलोमीटर दूर है एक गार्डन है, आप लोगों को भी लेकर चलूँगा। चलो हमारा साथ आप लोग भी देख लीजिए। अच्छे से गार्डन है घूमने के लिए, शांत वातावरण होते हैं इधर। मैं इधर रेडी हो रही हूँ, को रेडी कर ले और फिर वो खुद तैयार हो रही है। मैं तो तैयार होने वाला हूँ, चलो अब लोग भी हमारे साथ घूमने के लिए। रोड का दोनों साइड का नज़ारा आप लोगों को देखा रहे हैं। मैं हम लोग बाइक में जा रहे हैं। इधर एक बगीचे है, मैं इधर से प्लान खरीदी लिया था, अच्छे प्लांट्स मिलते हैं इधर। इसका नेम है वराम बाग। पेट्रोल पंप में पौधा जल्दी से ग्रो हो जाता है।
विंटर का सीजन स्टार्ट हुई है, इसलिए हल्की हल्की से ठंडी भी होती है, फिर भी अच्छे लगते हैं इस बाइक में ट्रैवलिंग करने के लिए। देख लीजिए हम लोगों पहुँच गया है बगीचे में, गार्डन में। देख लीजिए आप लोग देख रहे हैं ना, तंबू जैसा इधर ही है। इस प्लेस का नेम है कल्याणधाम गार्डन, और इसमें स्कूल भी है, इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम, और वृद्धाश्रम भी है इसमें। घूमने के लिए भी अच्छे प्लेस है इधर, और बच्चे के लिए बहुत सारा राइड भी है। देख लीजिए दोनों साइड में हरियाली हरियाली है इस बगीचे में, अच्छे से प्लांटेशन करे हुए हैं। इधर एक आईना रूम भी बनी हुई है, इस आईने में देखने देखे तो आप लोगों को बॉडी का शेप अलग अलग देखने को मिलती है। हम लोग और बच्चे बहुत एंजॉय कर लिया इधर, हम लोग कुछ फोटोशूट भी कर लिया।
इधर मैं और आर्तिक झूला कर रही है, इधर वैष्णवी भी झूला कर रही है, हम लोग इधर सब बगीचे में घूम रही है, घूम घूम कर देख रही है। इधर चाइनीज बकरी है रखा हुआ है, और कुछ और कछुए और सागमर इन सब को रखे हुए है इधर। बोट राइडिंग भी होती है, स्विमिंग पूल भी है इधर। और इधर कुछ इसी तरह गार्डन बनी हुई है, उसमें छोटी छोटी टी शॉप भी बनी हुई है, हम लोगों को बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और हम लोग आर्तिक और वैष्णवी इधर सब घूम घूम कर एंजॉय कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग भी। आज के हमारे कैमरा मैन है रवि। इधर हम लोग बहुत एंजॉय कर लिए, और बहुत सारे फोटोशूट भी कर लिए हम लोग ने। इधर एक मंदिर बनी हुई है, गुफा जैसे बनकर साईं बाबा का मंदिर है, उसमें दर्शन करने के लिए रवि आर्तिक और वैष्णवी जा रही है। मैं नहीं गई, मैं बाहर बैठी हुई थी, और बहुत अंधेरे है इसमें। उन लोगों ने लाइट लगा कर, मोबाइल का लाइट लगा कर जा रहे हैं, और इस तरफ से एंट्री होती है और दूसरे तरफ से बाहर निकलना है। बहुत बड़ी भी नहीं है, छोटी है।
इस बगीचे में हम लोग घूमने आते हैं ना, और सब जो कुछ देख देख कर भी टाइम फिनिश होते है, क्या देखने जाए या क्या बैठना है क्या करना है, सोच सोच कर भी टाइम निकल जाता है। बहुत हम लोग ने बहुत मस्ती और मजा कर लिया है और एंजॉय भी कर लिया है। इधर तिरुपति बालाजी का भी एक मूर्ति रखा हुई है, और इधर वैष्णवी और आरती के दर्शन कर रहे है। इस तरफ से बाहर निकलने का रास्ता होती है, इधर देख लीजिए हम लोगों ने बाहर निकल गए हैं। और हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधे हैं इधर, हम लोग इधर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, पेड़ के नीचे बैठने के लिए इस तरफ से भी बने हुए हैं। देखो इधर बोगनविले का बहुत सारे पौधे होते हैं, मुझे बोगनविले का फ्लावर और पौधे बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं? 12 महीने इसमें फ्लावर होती है, कितना अच्छी तरह से वो खिलते हैं और इसमें फ्लावर भी बहुत बढ़िया होती है, और टाइप्स टाइप्स का कलर भी होती है इसमें, कितना सारे अच्छे अच्छे कलर है, कलर की है। इधर भी वाइट की भी होती, वाइट कलर की और मजंदा कलर की और येलो कलर की और सब वैरायटी है। इधर एक घोड़ा भी है, घोड़ा सवारी भी करने के लिए किसी को करने तो उधर पैसा लगा कर करते हैं सब लोग, बच्चे को बैठने के लिए। स्विमिंग पूल भी है और बोट राइडिंग भी है, छोटी छोटी बच्चे के लिए राइड है। देखो इधर बम्बू ट्री का ट्री क्या है ना, उससे लकड़ी से बने हुए है स्कूल, उसमें गुजराती मीडियम स्कूल है, बहुत अच्छे से बने हुए हैं। देख लीजिए दूसरा कलर की एक बोगनविला, वाइट और क्रीम जैसा कलर की। इधर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, संडे ना इसलिए छुट्टी है, इस तरफ घूमने के लिए सब लोग आते हैं। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक वो खुद बना हुए है, देख लीजिए कितना नीट एंड क्लीन है, इधर शांत वातावरण होती है, मन लगता है इधर बैठ जाओ ऐसा लगता है। इसे गी सॉन्ग भी स्टार्ट करके रखे हुए मैंने इसमें डाला नहीं है। देखो स्लाइड्स भी है, वैष्णवी को तो जान है स्लाइड्स, स्लाइड्स किधर भी देख लो दौड़ कर चल जाएगा उसमें। एक एक एरिया को अलग अलग कर अलग अलग नेम दिया हुआ है, मुगल गार्डन, सफारी गार्डन, इस अलग अलग नेम सब गार्डन को दिए हुए नेम।
किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी इसे भी कितना अच्छे है घूमने के लिए, अच्छे जगह में नहीं है और अच्छे कहने चाहिए उसको। और इधर देखो साइंस का और ये ना तारा मंडल और फिशिंग मछली घर ये सब कुछ है इधर। आज तो बंद है ये सब, यानी संडे, इसलिए देख लियो कार्ट का डेकोरेशन कर लिए कराई हुई है। उल्लो कट का काट है ना उसका डेकोरेशन करेंगे। हम लोग इधर भी बैठकर बहुत सारे फोटो शूट कर लिए। आरती देखो फोटो शूट कर लिए उधर। इधर भी एक गार्डन है छोटी सा, उसका नेम है मुगल गार्डन। मैं और वैष्णवी इधर जा रही है दोनों, मैं इस तरफ भी जा रही है वो इस तरफ भी आ रही है। और आरती बेंच बने हुए है, सब गार्डन में बेंच बने हुए है बैठने के लिए, उसमें बैठकर आरती कुछ फोटो शूट कर रही है। और मैं इधर खड़ा है, रवि और वैष्णव इधर डांस कर रहे हैं। फुल एंजॉय कर लिया हम लोगों ने, बहुत मस्ती कर लिया। देख लीजिए
हम लोग इधर आ गए थे 5 o'clock को और अभी टाइम हो रही है 6:30। टाइम चले हुए पता भी नहीं चला, सनसेट भी हो रही है। पूरे बगीचे में हम लोग घूम लिया और सब राइड में बैठ गया। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय कर लिया। टाइम कैसे गया पता भी नहीं चला। अभी टाइम हो रही है 7 o'clock। 5 बजे से हम लोग इधर आए हुए, 7 o'clock हो गया। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर पर। आज का डिनर हम लोग ने बाहर किया था होटल में और पंजाबी फूड का ऑर्डर दिया है हम लोग ने। चलो आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर लीजिए। हमारा डिनर आ गया है पंजाबी फूड, आप लोग भी एंजॉय कर लीजिए हमारे साथ। इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना। आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर लिया ना, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जरूर। कल एक न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेगा। बाय बाय।